यदि आपके पास जितना ताज़ा पानी आप पी सकते हैं व जो भोजन आप कर सकते हैं वह उपलब्ध है तो फिर आपको अपनी असफलताओं के लिए शिकायत करने का कोई हक नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की डेट है 3 जून 2019। डेली करंट अफेयर की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 जून से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब से करंट अफेयर के वीडियो के लास्ट में हम कुछ स्टैटिक टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी को शुरुआत करेंगे और ज्योग्राफी के अंतर्गत एक रिवर के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है आज का कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने पहले दौरे पर किस स्थान पर जाएंगे। तो ये रहे आपके सामने सारे ऑप्शन। और अगर हम लोग बात करते हैं तो इस बार हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह अपने पहले दौरे पर सियाचिन जाएंगे। कहाँ पर? सियाचिन ये जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। राजनाथ सिंह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले ये हमारे गृह मंत्री थे, लेकिन अब जो गृह मंत्रालय है वह दे दिया गया है नए हमारे कैबिनेट मंत्री अमित शाह को। तो इन्हें इस बार रक्षा मंत्रालय दिया गया है और रक्षा मंत्री बनने के बाद में इन्होंने सबसे पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात की और उसके बाद में पहले दौरे पर ये हमारे थल सेना प्रमुख बिपिन रावत जी के साथ जाएंगे सियाचिन पर। तो आइए मैं आपको मैप में थोड़ा सा लोकेशन दिखा देता हूँ। ये है हमारा प्यारा राज्य जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑफिशियली ये जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है ये हमारे भारत का है, लेकिन वर्तमान में जो कब्जा है इस पर पाकिस्तान और चीन का है। तो ये जो ऊपर का आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं ये हमारा है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे हम पीओके कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको पूरब में हिस्सा दिख रहा है इसे हम लोग अक्साई चीन या सीओके यानी कि चीन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। अब सियाचिन की बात करते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है ये मुख्य रूप से हमारा है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन के बारे में आपको याद रखना है कि 1984 पर भारतीय सेना ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यहाँ से भारत पीओके और सीओके दोनों पर आसानी से नज़र रख सकता है। और सियाचिन के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको याद रखनी है कि ये हमारे दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है, यानी कि एक बैटल फील्ड है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 60 वर्ष के ऊपर के व्यापारियों को या जो भी हमारे सेल्फ बिजनेसमैन हैं उनको कितने रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की गई है। तो ये घोषणा की गई है 3,000 रुपये प्रति माह। कितने रुपए? 3,000 रुपये प्रति माह हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो हमारे 60 वर्ष के ऊपर के व्यापारी होंगे उनको दिए जाएंगे। अब इससे हमारे देश के लगभग 3 करोड़ व्यापारियों को फ़ायदा होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन लोग इसके एलिजिबल होंगे तो वही व्यापारी जिनका टर्नओवर पूरे साल का 1.5 करोड़ से कम है, उन्होंने जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, और जो लोग 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और पंजीकरण होने के बाद में जब उनकी आयु 60 वर्ष के ऊपर होगी तो उन्हें प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा 3,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हमारे पीएम के द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है कि किस देश द्वारा अपने देश में आने वाले विदेशी व्यक्तियों को वीजा के लिए सोशल मीडिया की जानकारी मांगी है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और यूएसए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा यूएसए। तो अभी हाल ही में यूएसए के द्वारा यह कहा गया है कि जो भी उसके यहाँ पर आने वाले लोग हैं जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया है उन्हें अपने 5 साल के सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होगी। तो आपका यूज़र नेम क्या है, आपने कौन कौन सी ईमेल आईडी का यूज़ किया है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, इन सब के बारे में जानकारी अब आपको यूएसए को देनी पड़ेगी और उसके बाद में ही आपको यूएसए का वीज़ा मिलेगा। जाहिर सी बात है कि अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं यूएसए में और यूएसए चाहता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर के इन्फ्लुएंस ना कर पाए इस चुनाव में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से शुरू होगा। तो याद रखिएगा जो इस बार की हमारी 17वीं लोकसभा है उसका पहला सत्र 17 जून को शुरू होगा। और इसके अलावा जो हमारी वर्तमान में नई वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वह पहला जो बजट है
इस नई सरकार का वह 5 जुलाई को हमारे संसद में पेश करेंगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि 10वां राष्ट्रीय फिल्म विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के बारे में, तो इसका आयोजन होगा अगरतला में। कहाँ पर? अगरतला में इसका आयोजन किया जाएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं कि यह होता क्या है, तो फिल्म के द्वारा जो हमारा विज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है या विज्ञान का किस तरह से मानव के जीवन में उपयोग है, और इसके अलावा पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो प्रथम आयोजन इसका हुआ था चेन्नई में 2011 में, और जो हमारा 2020 में आयोजन होगा वह होगा अगरतला में। ध्यान रखिएगा कि इसमें भारत के अलावा यूनिसेफ के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा और जो हमारे अन्य देश हैं उनके द्वारा इस फील्ड में जो भी फिल्में निर्मित की जाती हैं उन सब की प्रदर्शनी होती है, और इसका आयोजन होगा अगले वर्ष जनवरी फरवरी में। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ई सिगरेट के पर अगर हम लोग प्रतिबंध की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, और जो प्रतिबंध अभी हाल ही में लगाया गया है वह लगाया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा है ई सिगरेट, और अभी तक भारत के 12 राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो आपके आम सिगरेट होते हैं उनके मुकाबले यह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसमें लिक्विड फॉर्म में कुछ भरा होता है जिसमें आपका निकोटीन होता है, और इसे हम लोग इलेक्ट्रिक के माध्यम से, यानी कि इसको इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट किया जाता है, और इसके माध्यम से धुएं को अंदर लेते हैं। तो 12 राज्य एक बार आप देख सकते हैं, पंजाब है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, झारखंड और राजस्थान। इन राज्यों के द्वारा ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से शुरू हुआ। तो यहाँ पर आपके सामने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, और अगर हम लोग बात करते हैं वित्तीय साक्षरता सप्ताह की, तो ये आपका शुरू हुआ 3 जून को, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, और ये आपका प्रारंभ हुआ 3 जून को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी शुरू होगा। याद रखिएगा वित्तीय साक्षरता सप्ताह कंडक्ट करवाया जाता है RBI के द्वारा, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस बार की जो थीम रही है वह है फार्मर्स एंड हाउ दे बेनिफिट बाय बीइंग ए पार्ट ऑफ द फार्मल बैंकिंग सिस्टम। यानी कि मुख्य रूप से जो हमारे किसान भाई हैं उनको किस तरीके से बैंकिंग के जो नई विशेषताएं आई हैं, डिजिटल बैंकिंग आई है, उनसे किस प्रकार से जोड़ा जाए, इसी के उद्देश्य से इस बार का वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। मुख्य रूप से इसमें फोकस किया जाए, एक तो आपका है UPI पेमेंट, यानी कि अगर आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है या किसी प्रकार की एंड्रॉयड या अन्य प्रकार की मोबाइल है तो वहाँ पर आप UPI पेमेंट का यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास में सादा मोबाइल है तो आप *99# से भी पेमेंट को लेन देन कर सकते हैं। तो इसी के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता सप्ताह इस वीक में मनाया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, नई मसौदा शिक्षा नीति 2019 किस समिति के द्वारा तैयार की गई। तो यहाँ पर आपके सामने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिलहाल सी करेक्ट होगा। अभी हाल ही में आपने नई मसौदा शिक्षा नीति 2019 के बारे में सुना होगा, और इसे लेकर के काफ़ी सारी चर्चाएं हैं। जो ये नई मसौदा नीति आई है इसे पब्लिक कर दिया गया है, इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कुल लगभग 650 पेज की ये शिक्षा नीति है, और इसका कई जगह पर विरोध भी हो रहा है, जैसे जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं, क्योंकि इसमें 3 भाषाओं को लागू करने के बारे में कहा गया है। वह 3 भाषाएँ कौन है? एक तो आपकी है अंग्रेजी, एक हिंदी, और एक हमारी वहाँ की क्षेत्रीय भाषा। तो यहाँ पर बहुत सारे राज्यों ने हिंदी को अपनाने से इनकार भी कर दिया है, शिक्षकों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और ये अभी पब्लिक डोमेन में रखा गया है, यानी कि लोगों से राय पूछी गई है इस शिक्षा नीति पर, और उसके बाद में इसे लागू किया जाएगा अगले 1 या 2 महीने में। तो याद रखिएगा ये आपका तैयार किया गया कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा, और जो हमारे नए मानव संसाधन विकास मंत्री बने हैं रमेश पोखरियाल, उत्तराखंड के हरिद्वार से जो हमारे सांसद हैं उनके सामने सबसे पहले इसे पेश भी किया गया। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अभी प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2018-19 में, तो जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें
10% की वृद्धि हुई है, यानी कि जो आपका वित्तीय वर्ष था 2017-18 उसमें प्रति व्यक्ति आय थी 9,580, लेकिन अब यह बढ़ करके 2018-19 में हो गई है 10,533। तो यहाँ पर वृद्धि हुई है लगभग 10% की। और किसके द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार द्वारा अपनी कैबिनेट में विस्तार किया गया? तो याद रखिएगा, अभी कल ही यानी कि 2 जून को जो हमारी बिहार की सरकार है उसके द्वारा अपने कैबिनेट में विस्तार किया गया और कुल मिलाकर के 8 नए मंत्रियों ने जाकर के शपथ ली है। याद रखिएगा कि इसके जो सहयोगी दल हैं यानी कि NDA के जो घटक हैं बिहार में, जिसमें आपका एक लोक जनशक्ति पार्टी है जिसके प्रमुख रामविलास पासवान हैं जो कि हर सरकार में शपथ लेते हैं, तो ना तो उनकी पार्टी का कोई मंत्री नया बना है और ना ही BJP का कोई नया मंत्री यहाँ पर बना है। तो याद रखिएगा, नई कैबिनेट में विस्तार किया गया है हमारे बिहार में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, अब हम लोग आगे चलेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था हम लोग एक रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी रिवर है गोदावरी रिवर, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो ये है आपके सामने हमारा प्यारा भारत। अपने प्यारे भारत में जब हम लोग पहुंचेंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में एक हमारा जिला है जिसका नाम है नासिक, और नासिक में आपको मिलेंगी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ। तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से हमारी ओरिजिनेट होती है गोदावरी नदी और ये पूरब में बहते हुए जा करके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो गोदावरी नदी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। आगे अगर हम लोग बात करें तो यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी भारत की है गंगा और दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आपकी गोदावरी नदी है। इसका अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम इसका है वृद्ध गंगा। याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा इसका नाम नहीं है, इसका नाम है वृद्ध गंगा। हालांकि कहीं कहीं पर दक्षिण का गंगा नाम से भी ये जानी जाती है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो गोदावरी नदी है वह किन राज्यों से होकर के बहती है, तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र से ये निकलती है, उसके बाद में तेलंगाना में इंटर करती है, फिर आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से से होती हुई जाती है और छत्तीसगढ़ की ये बाउंड्री को टच करती है। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं यह 4 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब आइए इसको हम लोग थोड़ा सा और बेहतर ढंग से देखते हैं। तो ये आपके सारे राज्य हो गए, कौन कौन से? ये आपका हुआ महाराष्ट्र, ये आपका हुआ छत्तीसगढ़, यहाँ पर तेलंगाना है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, और ये आपका हो गया उड़ीसा। तो महाराष्ट्र में ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये हमारा है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ नासिक में। यहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी गोदावरी नदी और ये सीधे फ्लो करती हुई जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो इसके सहायक नदियों के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में, जिसमें आपकी है प्रवरा अहमदनगर से, मजीरा निजामाबाद में जाकर के मिलती है, और बाएँ से जो नदियाँ इसमें मिलती हैं उसमें है पूर्णा इंद्रावती और सबरी। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवरा की। तो प्रवरा आपके महाराष्ट्र से ही निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में ये छोटी सी एक नदी है अहमदनगर जिले में जाकर के मिल जाती है गोदावरी से। उसके बाद में हमारी एक नदी है मजीरा। मंजीरा भी आपकी निकलती है कहाँ से? महाराष्ट्र से ही। लेकिन याद रखिएगा कि मंजीरा जो नदी है महाराष्ट्र से निकलने के बाद में ये आपकी आती है आंध्र कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद में ये तेलंगाना में इंटर करती है, और उसके बाद में हमारे उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए निजामाबाद जो कि हमारा एक जिला है तेलंगाना का, वहाँ जाकर के ये मिल जाती है गोदावरी नदी से। इसके बाद में यहाँ पर हमारी नदी है पूर्णा नदी। पूर्णा नदी की बात करें तो ये भी आपकी महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट होती है और परभानी जिले में आ करके मिल जाती है गोदावरी नदी से। अगली हमारी नदी है इंद्रावती नदी। तो इंद्रावती नदी आपकी उड़ीसा राज्य से ओरिजिनेट होती है और उसके बाद में छत्तीसगढ़ से होते हुए गढ़चिरौली जो कि हमारा एक जिला है महाराष्ट्र का पूर्वी जिला, यहाँ पर आकर के मिल जाती है गोदावरी नदी से। और इसी प्रकार से हमारी एक नदी है सबरी जो कि आपकी फ्लो होती है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर हमारा एक जिला है पूर्वी गोदावरी,
तो पूर्वी गोदावरी में ये आकर के मिल जाती है गोदावरी नदी से। तो ये हमने बात की गोदावरी नदी से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसी प्रकार से हम लोग एक एक नदी करके डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग एक एक पहाड़ियों को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जैसे जैसे करंट अफेयर को आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये स्टेटिक पोर्शन भी कवर करते हुए आगे चले। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। समय देने के लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपको मेरा फिर से नमस्कार। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।